दोस्तों ये है एप्सन का L300। आज मैं इसको डिसमेंटल करके बताऊंगा और साथ में आपको प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है और क्या पार्ट क्या काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पेपर ट्रे हम निकाल लेंगे बीच में ऐसा फोल्ड करके। उसके बाद ये स्क्रू है जो कि स्कैनर का स्क्रू है। फिर यहाँ से इसको ऐसा हल्का सा उठा लेंगे और फिर इसको ऐसा हल्का सा इस साइड में पुश करेंगे। फिर जितना ऊपर कीजिए, यहाँ पे एक स्क्रू होता है उसको निकाल लीजिए। यहाँ पे ये देखिए स्क्रू का स्पॉट बना हुआ है। ये स्क्रू निकालने के बाद हम लोग ये जो सीरियल नंबर लिखा है यहाँ पे ऐसा हल्का सा उठाएंगे ऊपर और फिर यहाँ से ऐसा और फिर यहाँ से ऐसे ये निकल गया। ये हेड का केबल है, ये हेड का केबल है और ये जो डिकोडर होता है उसका केबल है, सॉरी इनकोडर। ये इनकोडर का केबल है जो ये इनकोडर रीड करता है, इसे इनकोडर कहते हैं। जो मूविंग होता है इसी के यही बताता है इसको कहाँ आगे पीछे जाना है। और ये हेड है जो कि नीचे लगा हुआ है और ये इसका इतना हेड कैरेज बेल्ट है जो इसको मूव करता है यहाँ वहाँ। इसका मैंने बोर्ड निकाल दिया है पहले ही, तो ये जो केबल है यहाँ से निकालना होता है ऐसे पुल करके। फिर ये स्कैनर यूनिट पूरा असेंबली आपका बाहर आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये एक स्क्रू जो कि ये अपना स्कैनर यूनिट इसी पे अटका हुआ रहता है, ये देखिए इसको हिंजेस बोलते हैं हम लोग। कलर टैंक को आगे कर दीजिए थोड़ा सा। ये जो लॉक है इसको हल्का सा ऊपर लीजिए, ये निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पकड़िए और हल्का सा राइट साइड में उसको पुश कीजिए ऐसे इतना। ओके, और फिर यहाँ पे एक लॉक है, इसको यहाँ पे जो लॉक है देखिए यहाँ पे एक आइकॉन बना हुआ है, ये लॉक का सिंबल है। इसको ऐसे प्रेस करना है, नीचे ऐसे प्रेस कीजिए, ये देखिए ये राइट साइड का पैनल बाहर आ गया। अब लेफ्ट साइड के पैनल को बाहर निकालने के लिए ये जो है यहाँ पे एक स्क्रू है। ओके, यहाँ से एक स्क्रू निकलेगा जैसा ये पैनल निकाला था, इसको भी वैसे ही निकालना है। अगर ये नहीं निकलता है तो आप नीचे से इसका जो लॉक है उसको प्रेस कीजिए। एक लॉक यहाँ पे है और एक लॉक यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे प्रेस किया और हल्का सा यहाँ पे। ये भी बाहर आ गया। उसके बाद पिकअप रोलर हम निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक स्क्रू है, ये स्क्रू थोड़ा यहाँ लाओ। ये पिकअप रोलर का कवर है, इसको हल्का सा लेफ्ट साइड में प्रेस कीजिए ऐसे और इसको ऐसा निकाल लीजिए। ठीक, ये रोलर, ये जो है रोलर यहाँ पे जाता है ऐसे और ऐसे बैठता है। इसके बाद ये जो लॉक है इसको अपने साइड में पुल कर लीजिए। ये लॉक का एक और काम है, जब कभी हम प्रिंटिंग निकालते हैं तो हल्का सा पी करके आवाज़ आता है और रुक जाता है और बोलता है कैंसिल ऑल प्रिंट जॉब, दो तीन ऑप्शन आता है चेक स्कैनर या पेपर जाम। तो दोस्तों इसी की दिक्कत होती है जो रोलर को जाम कर देता है, मूव नहीं करने देता। समझ लीजिए कि एक्चुअली ये क्लच ही है, क्लच का काम करता है। एक बार क्लच करेगा तो एक बार रोटेट होता है रोलर। तो जब कभी भी आप प्रिंटर प्रिंटआउट देते हैं और एक पी करके आवाज़ आता है और पेपर अटक जाता है और दोनों लाइट जलने लगती है इसके सामने की, तो समझ लीजिए ये आपका लॉक हो गया। उसके लिए क्या करना है, टॉप कवर उठाइए, हेड को पहले लेफ्ट साइड में कीजिए, उसके बाद में इसको अपने साइड में ऐसा कीजिए पेंसिल या पेन से या स्क्रू ड्राइवर से
और फिर एक बार रोलर को ऐसा घुमा दीजिए, ये देखिए एक बार इसको ऐसा रोटेट कर दीजिए यहाँ पे ऐसे एक बार, बस आपका जो वो प्रॉब्लम है कैंसिल ऑल जॉब वाला वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब इसको निकालने के लिए ये चिमटी है, इसे इंग्लिश में ट्यूजर भी कहते हैं, ये जो है पीछे कर दीजिए, इसको आगे कर दीजिए, यहाँ पे देखिए ये दो लॉक है इसका, ये देखिए इसको ऐसा दबा दीजिए और इसको एक बार ऐसा घुमा दीजिए, ये देखिए इसको संभाल के निकालिए बिकॉज इसमें एक स्प्रिंग है, जो गिर जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। ये आपका पिकअप रोलर है, ये आपका पेपर ट्रे है जो लिफ्ट करने में मदद करता है पेपर को, यहाँ से देखिए इसका एक लॉक है और एक इस साइड में लॉक है, इसको बहुत आसानी से निकालिएगा क्योंकि बहुत हल्का है और तुरंत टूट जाता है। हल्का सा इसको लेफ्ट साइड में प्रेस कीजिए और धीरे से यहाँ पे लाइए, ये देखिए यहाँ पे कटिंग बना हुआ है, इसी के अंदर से बाहर आ जाता है, सेम यहाँ पे भी वैसे ही है, एक स्प्रिंग रहता है जो इसको अप डाउन होने में मदद करता है। अब अगर मुझे या आपको इस कैरेज को निकालना है, ये पूरे यूनिट को यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप देख लीजिए। सबसे पहले इस स्क्रू को निकाल लीजिए, यहाँ से स्क्रू ड्राइवर डालिए ऐसा, और ये स्क्रू निकाल लीजिए, एक साइड में यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको निकाल लीजिए, दो, दोस्तों इसे खोलने की जरूरत जब पड़ती है, जब हमें ये पिकअप असेंबली खोलना होता है तब, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसका केबल यहाँ से निकाल लीजिए, अदरवाइज टूट जाएगा, तो यहाँ से देखिए इसका लॉक है, केबल दबाया हुआ रहता है अंदर मेटल में, ये देखिए लूज हो गया, फिर इसको हम धीरे से इसको घुमा लेंगे, ये देखिए यहाँ से फ्री हो गया है, और एक स्क्रू यहाँ पे है, ये देखिए स्क्रू आपको दिख रहा होगा, उसको निकालने के लिए हमें पहले रोलर का ये जो व्हील है वो निकालना पड़ेगा, ये देखिए स्प्रिंग से निकल जाएगा, ये देखिए यहाँ से आ गया, ये इसे आसानी से यहाँ से ले लीजिए बाहर, ये देखिए ये बेल्ट का व्हील है, और फिर यहाँ से इसको ड्राइवर डालिए इधर, ये देखिए इसको आ गया बाहर, प्रिंटर को आगे घुमा दीजिए, और यहाँ पे एक स्क्रू है, ये वाला स्क्रू, जी हाँ ये वाला स्क्रू, इसको ऐसे निकालिए, दोस्तों ये डिकोडर है और ये डिकोडर का पीएफ सेंसर, जब इसमें दिक्कत आती है तो आपका प्रिंटिंग नहीं होगा, पेपर पिकअप में प्रॉब्लम आएगी, और जब इसमें दिक्कत आएगी तो आपका रोलर मोटर कंटिन्यू घूमते रहेगा करके, जैसे मान लीजिए इसका केबल अगर नहीं लगाया हमने बोर्ड में तो ये कंटिन्यू मूव करेगा, कुछ काम नहीं करेगा उसके अलावा। इसको निकालने के बाद ये केबल को थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे निकाल लीजिए, ये डिस्प्ले केबल है जो यहाँ पे सामने पैनल लगा हुआ है, हालांकि इसमें कुछ डिस्प्ले है नहीं दिखाने के लिए, ओके ये स्क्रू निकालने के बाद आपको प्रिंटर देखिए पूरा एक स्क्रू हो गया है जो कि पीएफ सेंसर में लगा है, यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे इसको पतले स्क्रू ड्राइवर से निकल जाएगा, एक देखिए
ये स्प्रिंग है जो यहाँ पे फंसाया हुआ रहता है, यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग, ये ऐसे लगा हुआ रहता है। ये देखिए आपका ये पूरा यूनिट, और इसको मूव करने से पहले ये देखिए यहाँ पे इनकोडर है, इसको बॉडी में से निकाल लीजिए ऐसे, ठीक है। ये इनकोडर आपका, ये देखिए पूरा कैरेज आपका बाहर आ गया। ये दो स्क्रू और ये के स्क्रू, यहाँ से इसको साइड में कीजिए, यहाँ से इसको ऐसे उठा लीजिए, ये आपका टैंक। ये आपका देखिए कैरेज यूनिट हेड और टैंक। अब इसमें बचा है आपका डिकोडर, यहाँ पे है, यहाँ पे सप्लाई है, एक मोटर है जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है इसको मूव करने के लिए। ये पिकअप असेंबली आपका, ये यहाँ पे जो वेस्टेज का पाइप लगता है यहाँ पे, ये देखिए जो वेस्टेज की पाइप लगी यहाँ पे लगती है, वेस्टेज की पाइप इसके अंदर जाती है नीचे से, यहीं से एक कार्टेज क्लीन होता है आपका कैरेज, और यहीं से इंक यहाँ से पुल होता है, जब एक बार मूव करता है तो ये खींच के यहाँ पे लेके आता है। ये देखिए वेस्टेज का पाइप है ये, और यहाँ पे जो वेस्टेज का जिसे हम बोलते हैं वेस्टेज टैंक, जिसमें स्पंज लगा हुआ रहता है, यहाँ पे पूरा लाके ड्रॉप कर देता है। ये पीछे का स्क्रू एक निकालिए, अगर आपके पास इंक स्पंज वाला जो वेस्टेज इंक पैड है तो आप यहाँ से जस्ट एक स्क्रू निकालिए और इसे यहाँ से बदली कर दीजिए, पूरा कंप्लीट चेंज होता है, आपको 300 रुपये तक मिल जाएगा। ऐसे दबाएंगे तो इसमें से पूरा कलर निकलेगा, समझ लीजिए कि ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे देखिए एक स्प्रिंग है, इसको आराम से निकाल सकते हैं आप। ये आपका सेपरेशन रोलर, जो इसको मैंने फ्री कर दिया है, स्प्रिंग इसके अंदर का निकाल दिया है, ये फोटो पेपर में कभी दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन हल्के पेपर्स के लिए एक साथ में 3-4 पेपर लेगा, अगर इसकी स्प्रिंग अंदर से डाल दी जाए तो ये वापस से नए के जैसा काम करेगा। और इसे निकालने के लिए जस्ट यहाँ से देखिए साइड से ऐसा पुल कीजिए और इसको यहाँ पे फिर कीजिए, ये आपका पैनल एप्सन L380। तो इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ है नहीं, स्कैनर केबल अगर कभी मान लीजिए कभी ख़राब हो जाता है या फिर प्रॉपर रीड नहीं करता है या फिर डबल लाइट जलती है, स्कैनर केबल की जब प्रॉब्लम आती है, जब कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है तो ये 2 लाइट शो करता है, प्रिंटिंग आएगा आपका लेकिन फोटोकॉपी नहीं आएगी क्योंकि आपका स्कैनर चलेगा नहीं। तो आप उसको कट करके थोड़ा सा, अगर आपका ये पूरा प्लास्टिक बचा है तो इसको कट करके ब्लेड से आप इसको निकाल सकते हैं और इसे वापस काम लायक बना सकते हैं, और बहुत केयरफुली कीजिए अदरवाइज केबल कट जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सप्लाई का ये है, इसमें बता देता हूँ मैं भी, मान लीजिए अगर ये सप्लाई आपको निकालनी है, ये आप किसकी पावर सप्लाई है, तो एक लॉक यहाँ से एक लॉक यहाँ से, तो यहाँ पे एक हल्का लॉक रहता है जिससे हम निकाल सकते हैं, जस्ट यहाँ से इसको ऐसे डालिए माइनस, सॉरी लॉक यहाँ पे नहीं है, ये देखिए यहाँ पे लॉक है, ये मैंने गलत जगह लगा दिया इसके लिए टूट गया, आप आसानी से कीजिएगा। ये देखिए आपका सप्लाई बाहर आ गया, ये आपका पावर सप्लाई, और ये आपका मोटर है जो कि डिकोडर वाले पूरे यूनिट को चलाता है। इसको निकालने के लिए जस्ट यहाँ से 2 स्क्रू निकालिए, एक ही और एक ही, पूरा बाहर आ जाएगा। तो
तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप एप्सन का, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कुमार प्रिंटर्स, बाय बाय।